बड़ी खबर का रुख करते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के तहत खेलों के तीसरे सत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे खेल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। अब ऐसे में आज से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के तीसरे सत्र का उद्घाटन है। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का उद्घाटन अब इसी के तहत 3 जून तक ये उद्घाटन सत्र रहेगा। राजीव, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से के माध्यम से करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार जो है इस साल यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो जो आयोजित हो रहा है उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो 8 जगहों पे इसको आयोजित किया जाएगा। इसी तरह से गोरखपुर, बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इन जगहों पे जो है इसके आयोजन को लेकर के तैयारी चल रही है, और प्रधानमंत्री आज जो है इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो सत्र का उद्घाटन करेंगे। जी राजीव, इससे खेलों को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से 3 जून तक ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की अलग ही छवि जो है निखर के सामने आएगी खेलों को लेकर। बिल्कुल इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता संभाले उसके बाद से खेलो इंडिया या योगा 2-3 चीजों पे जो है लगातार उनका फोकस रहा, और इसी क्रम में सब अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते रहिए खेल को प्रोत्साहन देने के लिए, और इसी क्रम में जो है खेलो इंडिया शुरू किया गया था। तो इसमें दो राय नहीं है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो जो चल रहा है तो इसमें आने वाले समय में जो भी प्रतिभा है इस खेल के माध्यम से जो है वो आते हैं, कार्य करते हैं, फ्रंट फुट पे आते हैं और उनको भी आगे जाने का मौका मिलता है। तो यह एक सभी जहाँ जहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो आयोजित किया जाता है तो जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं जो आ नहीं पाते हैं फ्रंट पे, तो उनके लिए एक बहुत सुनहरा अपॉर्चुनिटी है और इस खेल के माध्यम से भी जो है उनकी प्रतिभा सामने दिखती है और उनको आगे खेलने का भी मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देश में जो प्रतिभाएं हैं, जो लोग खेल कूद में ज्यादा कहा जा सकता है कि निपुण है और उनको आगे मौका नहीं मिलता है, तो इस खेल के माध्यम से जो है वो लोग आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। जी राजीव, उद्घाटन में कौन कौन वहाँ पर मौजूद रहेंगे? देखिए, इस खेलो इंडिया में जो प्रधानमंत्री तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे, क्योंकि सब यहाँ से प्रधानमंत्री दिल्ली से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। और लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश की लखनऊ में जो है 8 जगहों पे इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो का आयोजन किया जाएगा। गोरखपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, बनारस में आयोजन किया जाएगा, प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाएगा। तो पूरी तरह तैयारी है आज जो है इसको उद्घाटन करने के बाद जो है इसको पूरे उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन करने को लेकर। जी राजीव, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में आज उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर इसका उद्घाटन करेंगे। 3 जून तक उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे खेल।